वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आइए, चार बज चुके हैं और पहले से ही आपको ये अवगत कराया गया था कि शाम 4 बजे सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी का टॉपिक होने वाला है। आज हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कि जीव विज्ञान को बिल्कुल स्टार्ट से प्रारंभ करेंगे और डे 1, डे 2, डे 3 की फॉर्मेट में चलते हुए कम्प्लीटली जीव विज्ञान हम करने वाले हैं, और जो कि बायोलॉजी है जिसे हम सामान्य विज्ञान के पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्स से अवगत करा दूं कि बहुत जल्द जेल वार्डर तथा फायरमैन की परीक्षा होने वाली है, उसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। उसके बाद जुलाई माह में आपका अभी हाल ही में सीटेट की परीक्षा होनी है, उसमें भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ तो रेलवे की एनटीपीसी तथा उसी के साथ साथ ग्रुप डी की एग्ज़ाम होनी है, उसमें भी बायोलॉजी यानी कि सामान्य विज्ञान अवश्य पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से एसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ रहती हैं, जैसे CHSL रहा, CGL रहा, CPO रहा, और भी कई सारी वैकेंसीज रहती हैं एसएससी के माध्यम से, उन सभी में भी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी का पार्ट पूछा जाता है। तो आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा सामान्य विज्ञान का ये भाग है, जिसके तहत हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, वो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की बायो चीज़ें समझिएगा। और रेगुलर बेसिस पर सेशन अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर जय स्टडी के जितने भी लाइव सेशन चल रहे हैं आप नहीं देखते हैं और वास्तव में आप एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही और अभी से ही देखना प्रारंभ कर दीजिए। आइए आज के सेशन को प्रारंभ करेंगे यानी कि शुरू करने जा रहे हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे तक हम इस सेशन को कवर अप करेंगे, यानी कि पूरे 1 घंटे लाइव रहेंगे। प्रयास करेंगे कि 1 घंटे में जितना भी अधिक से अधिक कवर अप हो सकता है हम सभी चीज़ें बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल पढ़ते हुए चलें। तो प्रारंभ करें आज का सेशन, और सेशन का नाम है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो पार्ट है वो है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। चलिए प्रारंभ करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पार्ट में जो आज हम कवर अप करने जा रहे हैं वो पार्ट है आपका बायोलॉजी का। किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं लेनी है, क्योंकि ये इस समय जो हम लाइव सेशन में चल रहे हैं, और किसी भी प्रकार से आप परेशान ना हो, बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हल्के हल्के आराम से चलते हुए अपने मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। और चाहे आप हल्के चलो या तेज चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलते रहो तो सफ़र आपका स्वयं ही तय हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी यानी कि जीवो, जिसे हम कहते हैं पादप प्लस जंतु के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि जीवों का जहां अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जीव यानी कि पादप प्लस जंतु। बात करते हैं बायोलॉजी, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है,
जिनमें पहला शब्द है वायोस और दूसरा है लोगोस। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी बायोस एवं लोगोस के मिलने से बना है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिएगा। लीनियर फॉर्मेट में जीव विज्ञान पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा। जहाँ वायोस का अर्थ होता है जीवन, जीवन यानी कि हमारी लाइफ, और लोगोस का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जहाँ जीवन का अध्ययन किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस से थे एवं ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी से थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान को वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी एवं प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी दो भागों में बांटा जाता है। पहली चीज, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों ही जीव विज्ञान के भाग हैं। यहाँ तक अगर कोई भी आपको तकलीफ ना हो तो आप इस सेशन को लाइक करके एक बार शेयर अवश्य कर दें। आइए आगे पढ़ते हैं। बॉटनी, बॉटनी जो कि मीन्स होता है प्लांट्स, एवं जूलॉजी जूम यानी कि एनिमल, प्लस लोगोस यानी टू स्टडी, ये चीज़ें याद रखिएगा। अर्नेस्ट हैकल ने सन 1866 में बॉटनी और जूलॉजी के अतिरिक्त जीवों का एक तीसरा समूह प्रोटिस्टा प्रस्तावित किया था। क्या प्रस्तावित किया था? प्रोटिस्टा। आइए, जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 बीसी के काल में हुआ था, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जीव विज्ञान का पिता अगर आपसे कहा जाए कौन है तो आप आंसर क्या देंगे, जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। देखिए, नेटवर्क स्टेटस इज पुअर, बार बार ये कॉलिंग आपके सामने आ रही है कि नेटवर्क स्टेटस इज पुअर। ये चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि आपका जो नेटवर्क है ना वो थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है। आइए थोड़ा सा देखते हैं और चीज़ों को समझते चलिएगा। आगे की कहानियाँ क्या हैं वो सुनिएगा। देखिए, कुछ महामूर्ख ऐसे हो जाते हैं जो कहने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, समझ में आया ना, उनसे भी सदा बच के रहना है, आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम हैं जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ने तथा साथ में याद भी रखने होंगे। पहली जो कॉलम है उसमें साधारण नाम और दूसरे कॉलम में हम उसका वैज्ञानिक नाम सीखने वाले हैं। सबसे पहला बात करते हैं मनुष्य, मनुष्य बोले तो ह्यूमन, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। दूसरा मेंढक, मेंढक बोले तो फ्रॉग, मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। तीसरा है आपका खरगोश, खरगोश बोले तो रैबिट, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आप याद रखेगा ओरिसिटोलेगस, ओरिसिटोलेगस कनकलस, कनकलस। प्रोनंसिएशन जरूर याद रखिएगा चीज़ों का, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल पर इसका प्रोनंसिएशन भी सुन लीजिएगा 3 से 4 बार। फिर पूछा जाता है बिल्ली यानी कि कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है,
तो आप बिल्ली का वैज्ञानिक नाम याद रखेगा, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता यानी डॉग का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलरिस। गाय यानी काऊ का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। भैंस यानी बफेलो जिसका वैज्ञानिक नाम है बेबुलस बेवलिस। बाघ यानी टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस। ऑलमोस्ट प्रत्येक एग्जाम में जितने भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं अक्सर सभी जगह एक वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा जाता है। अब पूछे जाने के तरीके विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। एक तरीका तो यह होता है कि आपसे डायरेक्टली सामान्य विज्ञान के भाग में पूछ लिया गया। एक तरीका आपके साथ बना होता है कि रीजनिंग के सेशन में पूछ लिया जाए, तो वो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। नवा पोजीशन है मक्खी, जिसे हम कहते हैं हाउस फ्लाई। इसके लिए हम कहते हैं मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। फिर आता है तेल चट्टा कॉकरोच, इसका वैज्ञानिक नाम है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। आम बहुत पढ़ा होगा यानी कि मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। आगे चलते हैं पेडी, पेडी होता है हमारा धान। धान का वैज्ञानिक नाम आपका ओरिजा रहता है, ओरिजा। नेक्स्ट आता है गेहूं, गेहूं बोले तो वीट, वीट का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट रहता है मटर, मटर बोले तो पी यानी कि पिजम सार्टिज्म। चना, चना होता है आपका ग्राम, इसे कहते हैं सीसर। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी और कुछ और बची हैं उन्हें भी समझिएगा। सरसों, सरसों यानी मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं, तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रैसिका, ब्रैसिका। कैपेस्टिस अमरूद, अमरूद के लिए कहते हैं सीडियम गावा। आलू, आलू जिसे हम पोटैटो कहते हैं, सॉरी पोटैटो भी है, पोटैटो प्रोनंसिएशन डिपेंड करता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, याद रखिएगा सोलेनम टेवर्शम। केला मोजा प्रेडिसिका। चाय, चाय का होता है कोमेलिना सिंसेंस। प्याज यानी कि ओनियन अलियम केपा। तंबाकू निकोटिना, निकोटिना तंबाकम। गुलाब, गुलाबा नहीं होता, गुलाब होता है, इसे कहते हैं रोजा सेंटिफोलिया। और एक आपको याद रखना है फूल गोभी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रैसिका, ब्रैसिका। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये टॉपिक नंबर 1 था जिसे हमने बायोलॉजी के तहत पढ़ा था। अब पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान और ये हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा, सामान्य विज्ञान के तहत पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? साइटोलॉजी। जीव द्रव्य मटमैले रंग का लसदार अर्ध पारदर्शक गाढ़ा तरल पदार्थ है। इसका घनत्व पानी से अधिक होता है तथा जल की मात्रा के अनुसार ये घटता और बढ़ता रहता है। जैसे जैसे जल की मात्रा होगी वैसे ये घटता भी है और साथ में बढ़ता भी रहता है। आइए इसी के साथ कुछ और देखते हैं। जीव द्रव्य में जल की जो औसत मात्रा होती है वो 65 से 75% तक होती है, किंतु ये भी क्या होती है, घटती और बढ़ती रहती है। पादप जीव द्रव्य में जल की मात्रा 90% तक या फिर इससे अधिक होती है। जीव द्रव्य का 95% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 4 तत्व आपको याद रखने हैं, कौन कौन कितना कितना परसेंटाइल रखता है। फर्स्ट वन होते हैं ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा रहती है 62%। सेकेंड होता है कार्बन, इसकी मात्रा रहती है 20%। थर्ड होता है हाइड्रोजन, मात्रा रहती है 10%। और नाइट्रोजन की मात्रा रहती है 3%। यानी 95% भाग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं जो जीव द्रव्य होते हैं उसमें कार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो 81:19 के अनुपात में रहता है, यानी कि 81% अकार्बनिक यौगिक होंगे तो 19% कार्बनिक यौगिक रहेंगे। नेक्स्ट वन चलिएगा, हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, ये किसने कहा था? तो याद रखना होगा हक्सले। नेक्स्ट चलिए, जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कोटी ने 1771 ईस्वी में जीवित कोशिका में देखा था। जीव द्रव्य जो था वो सर्वप्रथम किसने देखा था और कब देखा था? तो याद रखना है कोटी ने देखा था, और 1771 ईस्वी में किस में देखा था? जीवित कोशिका के तहत। नेक्स्ट आइएगा, जीव द्रव्य का जो नामकरण था वो सर्वप्रथम पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है पुरकिंजे के द्वारा 1840 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट बनिएगा, डोजार्डिन ने 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य को सार कोड की संज्ञा दी थी। प्रश्न बनता है जीव द्रव्य को सार कोड की संज्ञा किसके द्वारा और कब दी गई? तो आपको याद रखना है डोजार्डिन 1835। कोशिका के भीतर जीव द्रव्य दो भागों में बटा रहता है। अब वह कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है ये केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? ये केंद्रक के भीतर होता है, इसलिए इसे केंद्रक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बनेगा कोशिका के भीतर जीव द्रव्य कितने भागों में बटा होता है? तो आंसर हो जाएगा दो भागों में बटा होता है, पहला भाग कोशिका द्रव्य और दूसरा भाग केंद्रक द्रव्य। आइए कुछ और पढ़ते हैं, पेशीय कोशिका में जीव द्रव्य में साइकोप्लाज्म तथा तंत्रिका कोशिका में न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि पेशीय कोशिका की अगर बात करें तो वहां इसे साइकोप्लाज्म, और तंत्रिका कोशिका में बात करें तो इसे न्यूरोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे कोशिका क्या होती है, यानी कि सेल्स किसे कहते हैं, सुनिएगा और देखते चलिएगा। जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई को कोशिका के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो हमारी जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक एवं आनुवांशिक क्रिया होती है या फिर इकाई होती है से क्या कहते हैं? कोशिका यानी कि सेल्स कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़िएगा, कुछ कोशिका यानी कि डेड सेल के बारे में सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था और कब बताया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था। सेल शब्द ग्रीक भाषा में सेलुला शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपको याद रखना है सेलुला शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट बढ़िएगा, पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आप याद रखिएगा प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा। एक बार पुनः रिवाइज करिएगा, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है, और इसका जो व्यास होता है वो आपको व्यास याद रखना है 0.1 से 0.25 के बीच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे, आपको लीनियर फॉर्मेट में यहाँ पे दिया जा रहा है, चीजें समझते चलेगा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के जो अंडे की कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब प्रश्न बनता है इसका व्यास क्या रहेगा? तो व्यास रहता है 170 विद मल्टीपल बाय 135 mm। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, जो 3 से 3.5 फुट तक लंबी होती है। बात करते हैं आरबीसी।
आरबीसी होता है आपका लाल रक्त कण के लिए कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण जिसका औसत व्यास होता है 1/100 mm या 7.2 म्यू कह सकते हैं। बात करते हैं मानव शरीर में लगभग 60×10^15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 1838 से 1839 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि कब किया गया था, तो 1838-39 के मध्य में। आगे चलिएगा, कुछ और प्रश्न पढ़िएगा। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं। पहला, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, तथापि सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। चौथा, कोशिका का निर्माण जिस भी प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें केंद्रक निर्माणकर्ता की भूमिका अदा करता है। ये बात थी कोशिका से संबंधित। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति क्या होती है, यानी कि सेल वॉल किसे कहते हैं। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा, ये सेलुलोज का बना होता है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। पौधों के सेल वॉल में हेमीसेलुलोस एवं पैक्टिन एसिड भी पाया जाता है। लीनियर फॉर्मेट में बायोलॉजी का पाठ है, जिसे कि आपको एक शानदार तरीके के साथ आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए कवर अप करना होगा। बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु के नाम से कॉल करते हैं, सेल वॉल में प्रोटीन लिपिड पॉलीसेक्राइड्स के संयुक्त यौगिक के रूप में रहती है। ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। अब चलते हैं कोशिका झिल्ली की तरफ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। झिल्ली को सर्वप्रथम नगेली और क्रेमर 1855 यानी कि 1855 ने देखा था, जिसे ई ओवरटन 1899 ने कंफर्म भी कर दिया था। सेल मेम्ब्रेन एक जीवित लचीली छिद्रयुक्त अर्धपारगम चयनात्मक एवं अत्यंत ही पतली झिल्ली के रूप में होती है। ये झिल्ली कोशिका को बाहरी सुरक्षा देने के साथ ही साथ पदार्थों को कोशिका के अंदर एवं बाहर आने जाने में सहायता प्रदान करता है। इस झिल्ली में 7 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले अनेक छिद्र मौजूद रहते हैं और झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये झिल्ली बसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अलावा सिथलिक एसिड इत्यादि की बनी होती है। इस झिल्ली की रचना के संबंध में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तथा सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मोजेन सिद्धांत भी दिया था। ये चीज़ें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ी और सीखी हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, और अब हम पढ़ेंगे तारक काय क्या होता है, यानी कि सेंट्रोसम के बारे में। सुनिएगा और समझते चलिएगा। सेंट्रोसम की जो खोज की थी, वो सर्वप्रथम बोबेरी के द्वारा की गई थी। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके भीतर दो छोटी बेलनाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। ये किसके अंतर्गत होती हैं? ये सेंट्रोसम के तहत पाई जाती हैं, यानी कि तारक काय के अंदर होती हैं। कोशिका विभाजन के समय इससे तारक यानी कि एस्ट्रल किरणें निकलती हैं। ये था सेंट्रोसम से संबंधित कुछ लाइंस, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका क्या होती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। देखिएगा, इस रेस्टोग्लाज्मिक प्लाज्म भी कहा जाता है, और इसे आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो इसकी खोज की थी वो के आर पॉटर के द्वारा की गई थी।
जब इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं तो उसे रूखड़ा रूखड़ा यानी कि रफ एवं जब राइबोसोम के कण रहते हैं तो अनुपस्थित होते हैं। इसे चिकना यानी कि स्मूथ के नाम से भी जाना जाता है। ये वसा एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलते हैं राइबोसोम क्या होता है और इससे जुड़े कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, समझिएगा। राइबोसोम, बात करते हैं राइबोसोम। इसे सर्वप्रथम ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी ई प्लाडे 1955 ने जंतु कोशिका में देखा था। यानी कि पादप कोशिका में किसके द्वारा देखा गया था, तो आपको याद रखना होगा ब्राउन और रॉबिन्सन 1953। और अगर बात की जाए जंतु कोशिका में कब देखा गया था, तो जी ई प्लाडे 1955। आइए कुछ और प्रश्नों की, वही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं लीनियर फॉर्मेट में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यानी कि इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अब समस्या रहती है कि आपको पता नहीं था कि किस समय लाइव चल रहा है, तो वो समस्या आपकी है और आपकी ही हैटक होगी। माना कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर। आइए और देखिए, सन 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन एवं अम्ल के बने होते हैं, यानी कि आरएनए के बने होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S यानी कि 70S और एवं 80S के रूप में होता है। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये प्रोटीन उत्पादन का स्थल है, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। आपका तुरंत एक आंसर होना चाहिए, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आइए, अक्सर आपने ये चीज़ें सुनी होंगी और देखी होंगी, डॉक्टर्स कहते हैं कि इस पेशेंट में प्रोटीन की कमी हो गई है, इसमें ये हो गया है, इसमें वो हो गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल रही हैं। आप सीखते रहेगा और एग्ज़ाम को क्रैक करते रहेगा। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज होता रहता है, प्रश्न वही रहते हैं। आइए देखिए, समझिए और सीखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज सर्वप्रथम कॉलिकर ने 1850 ईस्वी में रैखिक पेशी की कोशिकाओं में किया था। ऑल्टमैन ने इसे वियोप्लास्ट नाम के रूप में एक नया नाम दिया था। मेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया था। यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम पड़ा था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा बेंडा के अनुसार। कोशिका में इसकी जो संख्या होती है वो सामान्यतः 500 से 2000 के मध्य रहती है। ऐसा नहीं है कि मध्य होगी, 500 भी हो सकती है और 2000 भी हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में अंगुलीनामा रचना पाई जाती है, जिसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए में पाया जाता है। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, अतः इसे कोशिका ऊर्जा का घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। अब चलेंगे एक अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी कॉय। सर्वप्रथम इटली के तंत्रिका विज्ञानी कैमलियो गोल्जी ने वान उल्लू के तंत्रिका कोशिका में गोल्जी कॉय की खोज की थी। प्लांट सेल यानी कि अकशेरुकी एवं कोशिकाओं में ये छोटी छोटी रचनाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। इन्हें डिक्टियोसम्स के रूप में भी जाना जाता है। ये सूक्ष्म नलिकाओं के सूक्ष्म एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका से स्रावित होने वाले पदार्थों को ये बाहर निकालने में सहायक होता है।
ये कोशिका भित्ति एवं लाइबोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारी एक पंक्ति और है इसी से जुड़ी, वो समझिएगा। कोशिका के अणुओं का जो यातायात प्रवर्धक होता है वो भी गोल्जी कॉय के रूप में ही जाना जाता है। देखिए पिछले 30 मिनट से आपका ये सेशन लाइव चल रहा है और पिछले 30 मिनट से ये सेशन लाइव है, लेकिन अब आप कितने अवेयर हैं इन चीज़ों से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेशन के साथ बने हुए हैं तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं कुछ और चीज़ों की ओर। कुछ और चीज़ देखिएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इसे सर्वप्रथम 1955 में क्रिश्चियन डी डुबो ने देखा था। इसके भीतर कुल 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन होता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। अब बात करते हैं, जो पाचन के दौरान फट जाने पर इसके एंजाइम जो होते हैं वो कोशिका में फैलकर उसे नष्ट करने लगते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यानी कि प्रश्न बनता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर होना चाहिए लाइसोसोम। अब डिपेंड करता है आपने पढ़ा कैसे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रश्न देखते हैं और सीधे ऑप्शन सही वाला पकड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला, आओगे जाओगे और भागते रह जाओगे। पढ़िएगा लवक। लवक किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है जिसे हम लवक कहें, और ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है बर्णी लवक और तीसरा होता है अवर्णी लवक। तो हरित लवक, बर्णी लवक एवं अवर्णी लवक ये तीनों ही लवक के प्रकार होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना होगा पादप कोशिका में पाई जाती हैं। आइए डिस्कस करते हैं वन बाई वन। पहला है हरित लवक, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इसके भीतर पर्ण हरित क्लोरोफॉल नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। पर्ण हरित के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कोशिका में हरित लवक की संख्या 1 से 80 तक हो सकती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, अतः इसे पादप कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। यही तो क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को उठाइएगा और चीज़ों को चेक करिएगा, तब आपको खुद से ही अज्यूम होगा कि हाँ कौन सी चीज़ पढ़ी जाती है और कौन सी नहीं पढ़ी जाती है। डिपेंड करता है आप अपना समय कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको 24 आवर्स भी अपनी लाइफ के प्रतिदिन के कम पड़ जाएंगे। फनी देखते रहेगा, कॉमेडी देखते रहेगा, मुजरा करते रहेगा, जो आपको लगे वो करते रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। जब आप यूट्यूब एक सबसे बेकार चीज़ और सबसे वेस्ट चीज़ है, सबसे बेकार ऑप्शन भी है और सबसे वेस्ट भी है। डिपेंड करता है आपका यूज़ करने का जो नज़रिया है वो क्या है, आप किस प्रकार की चीज़ें देखना पसंद करते हैं। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। जो पौधे होते हैं, जो भी हमारे पौधे होते हैं, वो आपने देखे होंगे उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली हो जाती हैं, वो किस कारण से होती हैं? ये चीज़ें आपको बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न बड़े बड़े बन जाते हैं, आपको एक एक प्रश्न की बहुत बड़ी कीमत कभी कभी चुकानी पड़ती है। वो होते हैं कैरोटीन के निर्माण के कारण। अब बात करते हैं कुछ और प्रश्न, और प्रश्न में बात करेंगे हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा जैंथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे एक बार पढ़ें और चीज़ें समझ जाएं, नहीं ऐसा नहीं है। आप इस पूरी वीडियो को 3 से 4 बार देखें, एक बार लाइव सेशन में देखें और 2 से 3 बार ऑफलाइन में देखें, और आवश्यकता पड़े तो इसे डाउनलोड करके भी आप बार बार देखते रहें। चलिए चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है बर्णी लवक। बर्णी लवक क्या होता है और इसे किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं? हरे रंगों को छोड़कर अन्य रंगों से युक्त लवकों को बर्णी लवक के रूप में कहा जाता है। ये पुष्प, फल भित्ति, बीज इत्यादि भागों में पाया जाता है। बर्णी लवक के जो सबसे वेस्ट उदाहरण हैं उसका नाम है टमाटर में लाइकोपेन,
गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन इत्यादि। जैसे कहते हैं ना कि विटामिन लगा ली जगह, यानी कि चुकंदर का ही लेप उसमें बना होता है। लाइकोपेन जहाँ आवश्यकता पड़ती है, यानी टमाटर होता है। गाजर यानी कि कैरोटीन, ये सभी क्या होते हैं, बरली लवक के हमारे उदाहरण बने हुए हैं। अब बात करते हैं गाके टाल चुकंदर, यानी कि ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं अवरणी लवक। ये तीसरा और अंतिम प्रकार है अवरणी लवक। अवरणी लवक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं और साधारणतः ये जड़ों में पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थों का क्या करता है, संग्रह करता है, यानी कि उन्हें एकत्र करता है, कलेक्ट करता है। ये थे लवक के तीन प्रकार और उन तीनों को हमने आसानी से यहाँ तक डिस्कस किया है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ और नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वैकुलोस। वैकुलोस जो होता है उसे हम कहते हैं रसदानी। रसदानी क्या है और इसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, समझिएगा। ये कोशिका की निर्जीव रचना होती है, इसे कोशिका का भंडार कहा जाता है। कोशिका का भंडार रसदानी। ये पादप कोशिका में अधिक विकसित होती है परंतु जंतु कोशिका में बहुत छोटी मात्रा में होती है, क्योंकि इसमें खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल और ऑक्सीजन आदि मिले रहते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और एक एक चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक के साथ में पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक मिक्सचर लेकर आया हूँ और उसके MCQ कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ऐसा नहीं। आपको पहले चीज़ें बेसिक से सीखनी पड़ेंगी, तभी आप हाई लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे। पढ़िएगा, स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स जो होते हैं ये सक्रिय मेटाबोली यानी कि उपापचयी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें वसा की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है और ये तेलीय भ्रूणपोषी बीजों एवं फ्लोएम ऊतक की चलनी नलिकाओं में अधिक पाई जाती है। आइए अब सबसे मेन टॉपिक, एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है रेलवे के लिए। लेकिन ये जो केंद्रिका का क्वेश्चन है ये SSC की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और मैक्सिमम टाइम CGL की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछते जाते हैं। सुनिएगा समझिएगा, केंद्रक यानी कि न्यूक्लस, ये कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त कोशिका का नियंत्रक भी कहलाता है। केंद्रिका जो थी वो केंद्रिका की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एक केंद्रक वाले कोशिका को एक केंद्रीय तथा एक से अधिक केंद्रक वाले कोशिका को बहुकेंद्रीय के रूप में कहा जाता है, यानी कि एक केंद्रक बना होगा, एक केंद्रीय केंद्रिका होगा और एक से अधिक होंगे तो हो जाएगा बहुकेंद्रीय। स्तनधारियों का जो लाल रक्त कण होता है यानी कि RBC जो होता है वो एकमात्र कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बात करते हैं केंद्रक के कितने भाग होते हैं और बारी बारी से सभी चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। केंद्रक यानी कि सबसे पहला होता है कि केंद्रक के जो भाग होते हैं वो होते हैं चार। पहला भाग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो केंद्रिका झिल्ली। दूसरा होता है केंद्रिका यानी न्यूक्लियस। तीसरा होता है केंद्रक द्रव और चौथा होता है क्रोमेटिन जाल। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी और चारों नाम भी आपको याद रखने होंगे। पिछले 40 मिनट से ये सेशन आपका लाइव चल रहा है और अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करके एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को वॉच कर पा रहे हैं तो आपका एक कार्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, ताकि सबसे पहले आपको जब भी लाइव सेशन स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन मिल सके। आइए देखते हैं इसके साथ कुछ और प्रश्न और आइए कुछ और बची चीज़ें डिस्कस करेंगे। 19 मिनट हमारे पास शेष हैं, यानी कि 5 बजे तक हमें लाइव रहना है। 5 बजे ऑटोमेटिक ये क्या होगा, सेशन ऑफलाइन हो जाएगा। आइए देखते हैं और यूज़ करते हैं बचे हुए 19 मिनट के लिए। क्रोमेटिन जाल जो होता है वो कोशिका विभाजन के समय लंबे एवं पतले सूत्र के रूप में स्पष्ट हो जाता है, जिसे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है।
गुणसूत्र शब्द का जो उपयोग था वो सर्वप्रथम बॉल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र का निर्माण हिस्टोन, प्रोटीन एवं डीएनए के द्वारा किया जाता है या फिर होता है। गुणसूत्र के जो भीतर जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ बना रहते हैं उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ें आप रिवाइज करते रहेगा, पेन पेपर साथ में लेके बैठें ताकि आप इन्हें लिखते भी रहें। मैट्रिक्स किसे कहा जाता है ये सभी चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाएंगी, तो याद रखना है गुणसूत्र के भीतर जो जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ रहता है उसे मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है, कहते हैं कि इसके दादा में जो गुणसूत्र थे वही इसके पापा में है, वही इसमें होंगे और वही आने वाली पीढ़ी में होंगे। ये सभी वंशागति में रहते हैं, वंशागति के वाहक माने जाते हैं, लेकिन आज का साइंस कुछ थोड़ा सा बचता चला जा रहा है। मैट्रिक्स में महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है क्रोमोनिमाटा, क्रोमोनिमाटा के नाम से इसे जाना जाता है। क्रोमोनिमाटा लगभग 8 सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। आइए कुछ और पंक्तियाँ पढ़िएगा। गुणसूत्र के मध्य में सेंट्रोमियर नामक रचना पाई जाती है जो इसे दो बाहों यानी कि आर्म्स में बांट देता है। प्रत्येक जीवों के गुणसूत्र की जो निश्चित संख्या होती है वो इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, और इसमें मैंने आपके लिए 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में कॉमन नेम, तीसरे कॉलम में जूलॉजिकल नेम और चौथे कॉलम में है नंबर ऑफ क्रोमो यानी कि वह संख्या। आइए वारी वारी से प्रत्येक को पढ़ेंगे और प्रत्येक को सीखते चलेंगे, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। सबसे पहले क्रोमोसोम्स की संख्या यानी कि पहला होता है कॉमन राउंड बॉम। कॉमन राउंड बॉम हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा है मैं हिंदी में बोल के सुना रहा हूँ, आप समझते चलेगा। कॉमन राउंड बॉन्ड जो होते हैं उसके लिए एस कैरिस लंब्रियोकोइड्स, और इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 2 होती है। दूसरा होता है मॉस्क्यूटो, क्लिक्स पेंस पाइपिंस जो होते हैं वो इसका वैल्यू रहता है और 6 इसमें संख्या रहती है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोपिला मेलानगोस्टर इसमें 8 रहता है। कैट फिलिस डोमेस्टिकस, अगर आप इतना भी चीज़ें नहीं सीखेंगे अभी तक, क्योंकि हम स्टार्ट से बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं और जीव विज्ञान में मैं वहाँ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों डिस्कस कर रहा था, अब मैं यहाँ पे आपको, अगर आप इतना नहीं जानते कैट क्या होता है, डॉग क्या होता है, रैबिट क्या होता है, ह्यूमन क्या होते हैं, हॉर्स क्या होता है, तो फिर आपका पढ़ना लिखना है बेकार भाई। इसलिए आप एजुकेशन छोड़ो और फनी और कॉमेडी वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम वेग्जाम छोड़ो, जाके आराम से काम करना प्रारंभ करो। कैट, कैट होता है फेलिस डोमेस्टिकस और इसमें रहता है 38। माउस मस मस्कुलस 40। रैबिट, रैबिट होता है ऑर्टोलेगस कॉनिकलस 44 यानी कि 44। ह्यूमन, ह्यूमन होमोसेपियंस 46 यानी कि मानव में जो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी रहती है यहाँ पे 46 यानी कि 46। हॉर्स, हॉर्स होता है एक्यो एकस 64। डॉग केनिस फेमिलरीज 78। हाउस फ्लाई मुस्कर डोमेस्टिका 12। हनी वी एपिस मेलिफेरा 32 बाय फीमेल एंड 16 बाय मेल, यानी कि जो हनी वी होगा 32 तो फीमेल में रहेगा और 16 मेल में रहेगा। आइए रेट, रेटस रेटस 42। हाइड्रा, हाइड्रा ब्लेग्रेस 32। कॉप, कॉपनस कार्पो 104। टॉट बुफा अमेरिकनस 22। पैगन कॉलम ब्लेविया 80। मंकी 42। ऑनियन 16। चिंपांजी आपका रहेगा 48 और मटर में होता है 14th यानी कि 14। ये था आपका गुणसूत्रों का विभाजन, किसमें कितना रहता है वो सभी चीज़ें आइए डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक पार्ट्स ऑफ समान विज्ञान के तहत जीव विज्ञान में, न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल।
ये केंद्रक में पाए जाने वाला वह अम्ल है जिसे न्यूक्लिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने की थी। केंद्रक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अक्सर आपने ये नाम बहुत बार सुने होंगे, इनके पूर्ण रूप भी बहुत पूछे जाते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और रेबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोनंसिएशन डिपेंड करता है आपकी साउंड पर, आपकी भाषा पर, आपकी वैल्यू पर, आप कितना यूज़ करते हैं लैंग्वेज उस पर। आइए, डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में भी पाया जाता है। केंद्रक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का जो होता है बहुलक के रूप में होता है। आइए कुछ और लीनियर फॉर्मेट के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, फिर हल्के हल्के चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में निम्नलिखित तीन पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ एक फॉर्मूला 110% पूछा जाता है, यानी कि एक नाम आपको लिख के दे देगा और चार ऑप्शन देगा, कहेगा इसका सही रासायनिक सूत्र क्या है वो आपको यहाँ से पिक करना है, इसलिए याद रखेगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। दूसरा होता है पेंटोस शर्करा, ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर जिसे केवल डीएनए में पाया जाता है, दूसरा होता है राइबोस शुगर जो होता है वो केवल आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में पाया जाता है। चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर, और तीसरा होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये भी दो प्रकार का होता है, पहले पार्ट को कहते हैं प्यूरीन, इसके भी दो प्रकार होते हैं एडिनिन एवं गुआनिन। अगर आप लूसेंट की किताब उठाएंगे और लूसेंट की सामान्य विज्ञान का पार्ट उठाएंगे तो वहाँ भी आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगा, वहाँ की बायोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी आपको एज इट इज़ हल्की फुल्की देखने को मिलेगी, यानी कि 60-70% वही लैंग्वेज और वही चीज़ें मैंने आपको सिलेक्ट की हैं, क्योंकि आप लूसेंट उठाएंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। दूसरा किरण पब्लिकेशन का रहता है, किरण पब्लिकेशन का आप सामान्य विज्ञान उठाएंगे तो वहाँ भी आपको चीज़ें बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगी, और आप देखेंगे तो लगभग 30-40% चीज़ें आपको वहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ मिलेंगी। अब बात रहती है आप प्रीवियस ईयर लगभग पिछले 10 सालों के पेपर उठा लीजिएगा, आपको सेम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप ये ना सोचें इसे देख के मुझे आगे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आप इसे एक बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा और किताबों में रिवाइज करिएगा और चीज़ों को एडजस्ट कीजिएगा, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस सेशन में छूट गई है और उसमें दी हुई है, वो काम आपका है कमेंट बॉक्स में बताने का। दूसरा आता है पायरिमिडिन, इसके तीन प्रकार होते हैं, पहला साइटोसिन, दूसरा थायमिन और तीसरा होता है यूरेसिल। डीएनए एक द्विकुंडलित रचना है जिसके बारे में सर्वप्रथम वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था। बात करते हैं कुछ और लीनियर फॉर्मेट के क्वेश्चंस की तरफ, और समझिएगा प्रत्येक कुंडली में फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सीराइबोस शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त क्षार भी उपस्थित रहते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार में एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ एवं साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ा रहता है। चार जोड़ों के बीच उपस्थित बंधन जो होता है उसे हम हाइड्रोजन बंधन के नाम से जानते हैं। डीएनए के एक कुंडलित में 10 चार जुड़े हो रहते हैं, एक कुंडली की जो लंबाई होती है वो 34 अगस्ट्रॉम तथा चौड़ाई 20 अगस्ट्रॉम के रूप में रहती है। डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका के लिए अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है एवं प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। तो फिलहाल मैं इसमें आपको यहीं पे ब्रेकअप अभी रोकूंगा, अब रोकने के साथ साथ थोड़ा सा एक डिज़ाइन करेंगे सेशन को और चीज़ों को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जो बच्चों को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सेशन भी लाइव चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अक्सर चाहते हुए भी लाइव तो चल रहा है लेकिन कमेंट नहीं कर पाते हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं कुछ इस प्रकार से।
सेशन अभी ऑफलाइन नहीं हुआ है, सेशन के साथ जुड़े रहेगा क्योंकि आने वाले सेशन में हम कोशिका विभाजन से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कुछ यूट्यूब की तरफ, क्या हम इस समय लाइव हैं या नहीं हैं। यूट्यूब पर आपको पहुंचना है, सबसे पहले सर्च बार पे सर्च करना है जय स्टडी। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो देखिएगा आपके सामने सेशन चल रहा है, और देखिए यूट्यूब पे सामने से आपको दिखाई दे रहा है आई एम लाइव, यानी कि हम वर्तमान में लाइव हैं। और ये हमारा जो लोगो है, आप इसे क्या करना है, इस लोगो पर करना है क्लिक। अब जैसे ही इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर लाइव सेशन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि वे फिजूली की ज़िंदगी का सिलसिला ख़त्म, जिस तरह की दुनिया उस तरह के हम। सबसे पहले इस वीडियो में क्या करना है, इसे आप क्लिक कर लीजिएगा और चला के देखिएगा क्या वास्तव में यही है या कुछ और भी है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ। साउंड कर दिया ऑफ। अब मैं क्या करता हूँ बताता हूँ कि आपको इस वीडियो को क्या करना है। देखिए सबसे पहले करना है आपको इस वीडियो को लाइक, ये लाइक बटन है, इस लाइक बटन पर अगर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका नीले कलर में, और यानी कि ये हमारा हो गया लाइक। और देखो पहले से मैं आपसे कह रहा था, एक बच्चा पहले से लाइव था लेकिन वो कमेंट नहीं कर रहा था ड्यू टू रीज़न, पता नहीं भाई क्या रीज़न था, लेकिन वो जाने और उसका काम जाने। आइए ये है हमारा सेकेंड बटन, ये बटन है शेयर का बटन। हमें क्या करना है, इस शेयर बटन पर एक बार क्लिक करना है, यह ऑटोमेटिक हमें लेकर चलेगा अपने स्थान पर। अभी हमसे पूछता है आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, आपको टेलीग्राम पर शेयर करना है, आपको फेसबुक पे शेयर करना है, या आपको किसी को मेल करना है, या आप सिर्फ कॉपी लिंक करना चाहते हैं। तो देखिए हम करते हैं इसे व्हाट्सएप पे शेयर। अब तो जुड़ना बेकार होगा क्योंकि अब तो सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, दो चार मिनट की और बात है क्योंकि हमें 1 आवर कंप्लीट करना है, ये एक टारगेट है आज का। सुनिएगा, मैंने इसमें से कुछ नाम पर क्लिक कर लिया, जैसे कि ये नाम जाने पहचाने आपके साथ बार बार आ जाते हैं। देखिएगा ये ज़्यादा हो गए तो चलो एक को कम कर देते हैं और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका कहेगा कि अब हो गया ये शेयर, ये चला गया व्हाट्सएप पे। अगर ये बच्चा इस समय लाइव होगा यानी कि ऑनलाइन होगा तो इसका कार्य है इस नीली वाली बत्ती पर, बच्चे समझदार बहुत होते हैं, कुछ बच्चों का कहना होता है हम इस पर क्लिक करके वीडियो देख लेंगे, नहीं भाई आप नहीं देख सकते जल्द, आपको क्लिक करना है इस वाली नीली वाली लाइन पर। आप जैसे ही इस नीली लाइन पर क्लिक करेंगे आप उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जिस स्थान पर अभी तक हम चल रहे थे। देखिएगा हम उसी वीडियो पे आ गए हैं, और मैं एक बार पुनः आपको साउंड सुना देता हूँ, इस वाली नीली वाली लाइन पर। आप जैसे ही इस नीली लाइन पर क्लिक करेंगे आप उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जिस स्थान पर। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो ये था भाई शेयर बटन, हमें यहाँ से शेयर करना था। दूसरी चीज़ मुझे कुछ और वीडियोज़ अगर इसी चैनल की देखनी है तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास एक ऑप्शन रहता है मैं चैनल पर पहुँचूँ, और चैनल पर पहुँचने के बाद एक तो सब्सक्राइब करना अवश्य, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। जब भी चैनल पर पहुँचते हैं तो आप इस वाले बटन को दबाएँगे, यानी कि अगर रेड कलर में यानी लाल कलर में आपके मोबाइल फ़ोन पर आ रहा है सोचेगा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर लाल कलर का नहीं है तो यानी कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। ये दोनों तरफ से जो बिंदियां दिखाई दे रही हैं यानी कि आपने बेल आइकन ऑन कर रखा है, आपके पास जब भी लाइव स्टार्ट होगा एक मैसेज अवश्य आएगा। कुछ और पुरानी वीडियोस दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि लाइव चला था मॉर्निंग में भी रहा था, इसी के साथ साथ देखिए एक करंट अफेयर्स का लाइव था, रीजनिंग का लाइव था, इसके साथ साथ कुछ पुरानी वीडियोज़ अगर मैं आपको लेके चलूँ ये लाइव सेशन में ही बने हुए हैं, और एक ये रहा था आपका UPP 475 व्यूज़ बना हुआ है इसमें, इस वीडियो को भी देखिएगा आखिर ऐसा तो नहीं कुछ आपके इसमें काम का हो। बाकी दूसरा अब एक लाइव सेशन का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, पहला प्लेलिस्ट रीजनिंग का है, दूसरा करंट अफेयर्स का है, इसी के साथ साथ और भी प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्द तैयार कर दिए जाएंगे। आप मैं एक साथ रीजनिंग देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ क्लिक करना होगा, प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा तो बाकी की वीडियो मेरी ऑटोमेटिक चलती रहेंगी, यानी आप भूल जाओ
कि आप कब तक लाइव देखते रहेंगे, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ये सभी चीज़ें हैं भाई, आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये सभी चीज़ें पसंद नहीं है तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये है आपका सेशन सामान्य विज्ञान का, जिसके तहत आज हम बायोलॉजी का जिक्र कर रहे थे, और बायोलॉजी से जुड़े हमने बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी यही बनती है कि हम सेशन को पूरा देखें और एक तरीके से देखें, ऐसा नहीं है कि हम आए और सेशन को स्टार्ट देखा, स्टार्ट देखने के बाद एकदम लास्ट में गए और देखा कुछ नहीं है, सब बकवास है। ऐसा कभी आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। आपको कंटिन्यूस चीज़ें प्रारंभ से लेकर लास्ट तक, मैं ये नहीं कहता कि आप जस्ट स्टडी देखिए, आप जिसे भी देखिए अपने आप का 100% उसमें लगा दीजिएगा, और जिस दिन आप अपना 100% उसमें लगा देंगे आप ज़रूर एक दिन सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो आज के सेशन का ये डे वन था, नेक्स्ट डे हम लेकर आएंगे अगले किसी एपिसोड में। तो फिलहाल इस सेशन को वाइंड अप करेंगे यहीं पर, क्योंकि समय हो चुका है 4:57, यानी कि पिछले 57 मिनट से हम लाइव चल रहे हैं। फिलहाल सेशन को यही वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।